हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं साउथ इंडियन डिश रसम। ये डिश है रसम? हाँ रसम। मैं को लगा हल्दी या फिर मेहंदी वाली रसम है। टमाटे और काली मिरी का रसम। हमारे घर के बाजू में, मतलब हमारे पड़ोस में एक केरला वाली आंटी रहती थी, शीला आंटी। हाँ। तो वो बनाती थी ये रसम की डिश। तो मैं बोलती थी क्या चावल पे पानी पानी जैसा सालन डाल के खाती है, इतना पतला पतला सालन रहता है क्या? तब वो मुझे बोली थी ये सालन नहीं है, ये रसम है, ये हम लोग खट्टा खट्टा बनाते हैं, हमारी हर बीमारी का इलाज है ये। हम लोग मच्छी बनाते हैं, सालन बनाते हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा डिश रसम हमारे घर में पकती है। इसको गिलास में भी पीते हम लोग और चावलों पे डाल के भी पीते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे सारा बुखार सर्दी खांसी वगैरह जो होता है ना, उसको हमारे को आराम मिलता है। एक तरीके की दवा भी बोल सकते हैं ये। ठंडी में आप बना के खा सकते हो रसम। देखो भाई, इससे पहले ना मुझे सिर्फ रसम के बारे में इतना मालूम था कि एक पतली सी डिश है जो कि आप चावल के साथ खा सकते हो। तो आज अम्मी ने मुझे डिटेल में बता दिया, तो जिसको भी नहीं पता होगा आज थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, है ना। और सर्दियां चालू हो गई है तो मैं बोली चलो बनाना जरूरी है। हफ्ते में एक बार भी ये रसम बना के अगर पी लेंगे ना, सच्ची मैं बोलती हूँ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि आज हम रसम बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम टमाटे, इमली, काली मिरी, जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्ची, लहसुन, अदरक, मेथी दाना, कोथमीर, कड़ी पत्ता, हल्दी। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इमली ले लूंगी। यहाँ पे मैंने इमली ले ली हूँ कुछ 25 ग्राम। अब क्या करेंगे हम, इसमें डाल देंगे गरम पानी। अगर मैं नीचे भिगा के रखती तो इसको 2-3 घंटा पहले ही ठंडे पानी में भिगा के रख देती थी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए, तो इसका पल्प हमको अच्छे से मिल जाए। अभी हमने झटपट के लिए भिगाए तो इसके लिए हमने गर्म पानी डाल दिए। गर्म पानी डालने से क्या होगा, ये अभी 10-15 मिनट के अंदर एकदम ढीली हो जाएगी और अच्छा जूस मिल जाएगा, है ना। अब इसको रखते हैं साइड में। अब ले लेते हैं एक मिक्सर, वाटी, मिक्सर की वाटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चम्मच के हिसाब से सब मेजरमेंट ली हूँ, टेबलस्पून। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के काली मिरी ली हूँ। हम यहाँ मसालों को बिल्कुल भी भूनेंगे नहीं, इसी तरीके से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के काली मिरी डाल रही हूँ, 2 चम्मच भर के धनिया डाल रही हूँ, 2 चम्मच भर के जीरा डाल रही हूँ, और यहाँ पे 7 से 8 कली लहसुन की ली हूँ। अगर आप लहसुन के छिलटे नहीं निकालना चाहते तो बिना छिले भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये रसम में बिना छिलके डालते हैं डालने वाले। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेथी दाना। ठीक है, थोड़ा सा लेंगे हम मेथी दाना, ये भी इसमें डाल देंगे। और बहुत से लोग जो रसम में अदरक नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ, क्योंकि जब हम सेहत के लिए अच्छे दवाई के तौर पर बना रहे हैं तो जब लहसुन और काली मिरी हमें फ़ायदा करेगी तो अदरक भी ज़रूर फ़ायदा ही करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दी हूँ अदरक भी। अब डालेंगे हम इसमें 2 से 3 लाल सूखी मिर्ची। अभी पक्का ये खाने पीने लायक वाली डिश है ना? अरे तो अभी हम इसमें इमली भी डाल रहे हैं ना इतना। अब क्या करेंगे हम, इसमें बिना पानी डाले के सूखा ही इसको पीस लेंगे। एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा ही पीस के लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अच्छे से पीस लिए है, ये दरदरा सा पीसी हूँ मैंने। इसको बारीक पेस्ट एकदम नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा ही रहना चाहिए। ठीक है, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बॉल में। खुशबू मस्त आती है, हाँ, जीरा, अक्का धनिया, और इसमें तो भर के काली मिरी भी है 1 चम्मच भर के, है ना। तो हमने अभी मसाला पीस के रख दिए है, अब ले लेंगे टमाटे। तो टमाटे इसमें लेने के लिए ना एकदम लाल कलर के लेना, कच्चे बिल्कुल भी नहीं लेना। मैंने ये हिस्सा ऊपर का निकाल ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। और ये जो टमाटे है ना, इसको पीस के नहीं लेना, लेने वाले लेते हैं पीस के, लेकिन वहाँ पे केरला वाले बोलते हैं इसको जितना हम हाथ से मैश करके लेंगे उतना ही टेस्ट आता है और रसम सही में अच्छा बनता है हाथों से चूरने के बाद। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको अभी अच्छे से चूर लूंगी अपने हाथों की मदद से। ऐसा? हाँ, एकदम लाल लाल, देखा मस्त, एकदम पके हुए टमाटे लेना, बहुत मजे का रसम बनेगा।
तो यहाँ पे अच्छे से टमाटर मैंने हाथों से मैश कर ली हूँ और यहाँ पे इसका जो छिलटा वगैरह है इसको दबा के अलग कर ली हूँ। ठीक है, इसमें दो चम्मच पानी डाल के मैंने निकाली थी, देखो इतना रस तीन टमाटर में निकला है। अब क्या करेंगे हम, इसको रखेंगे साइड में और यहाँ पे ले लेंगे हमारी इमली। अब इसको भी अच्छे से मैश कर लेंगे। देखो गरम गरम पानी डाली थी ना, कितना नरम हो गया ना इमली, फटाफट नरम हो गई एकदम माशाल्लाह। अब इसको भी मैं अच्छे से इसका भी पल्प निकाल लेती हूँ हाथों से मैश करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इमली का पल्प अच्छे से निकाल लिए है, हम इसको भी इसमें मिला देंगे, है ना। जितना तू बोल रहा था ना अम्मी मिर्ची डाल रहे खाने लायक रहेगा ना, इसलिए देखिए खट्टा भी वैसा ही रहता है ना, टमाटर का खटास, इमली का खटास, ये भी तो रहेगा ना कवर करने के लिए। तो अब क्या करेंगे हम, इसको मिला लेंगे अच्छे से। बन गया, तैयार हो गया। थोड़ा सा नहीं रे, अभी पकाना बाकी है, तो अब हम इसको रख देंगे साइड में। तो यहाँ पर हमने एक छोटा टोप चढ़ा दिया है रसम बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे दो चम्मच तेल। ठीक है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं डालूंगी इधर लाल मिर्ची, इसके साथ डालेंगे हम कड़ी पत्ता। अब मैं इसमें डालूंगी ये मसाला जो हमने पीसे है ना। तो यहाँ पे कमेंट आना चालू हो गया है, लेकिन क्यों क्यों, कौन सा कमेंट पहले वो बताओ। सही कमेंट एक ही आया है, पहले तो बताओ। अरे बोली थी ना, शॉर्ट वीडियो डाली थी कि मुझे कमेंट्स बताओ कि किस में है ना टमाटे हाथों से मैश करते हैं, तो उसमें से एक कमेंट अभी तक सही आया है, जानवी सेट्टी। ठीक है, वो भी लगता है साउथ इंडियन ही है मेरा। अब डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच हल्दी, इसी के साथ हम डाल देंगे ये जो इमली और टमाटर का पेस्ट है, जानवी सेट्टी। अभी तक एक ही नाम आया है जो कि सही बताए है कि हाँ रसम बन रहा है। हम लोग ने ना शॉर्ट वीडियो में पूछे थे कि हाथ टमाटर को हाथ से कौन सी डिश में पीसा जाता है, मैश किया जाता है। जिस किसी ने भी सही कमेंट सही कमेंट्स करेगा उसका हम लोग नाम लेंगे। हाँ, तो उसमें से बहुत सारे कमेंट आए हैं हमारा नाम ले लो ले लो, लेकिन एक नाम आया है जिन्होंने सही गेस किए है, जानवी सेट्टी। ठीक है, अब हम डालेंगे इधर पानी। अब इसको नमक डाल के अच्छे से बॉयल आने तक मैं इसको पकाऊंगी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने इतना पानी डाली हूँ जितना हमको ज़रूरत है। अब हम डालेंगे इसमें नमक। तो अभी इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। अभी यहाँ पे दूसरा कमेंट्स भी आ गया है, क्या नाम है, शीतल, हाँ, है ना, हाँ। इन्होंने भी सही गेस की है रसम। और एक है तीसरा नाम, मैं तीन ही नाम लेने वाली हूँ, मैंने तीन ही नाम बोली थी, मकसूद अली, इन्होंने भी सही गेस किए है के टमाटर का रसम। ठीक है, तो ये तीन जन का नाम मुझे लेना था, मैं ले ली। अब यहाँ पे बॉयल आने देते हमारे रसम को अच्छी तरह। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए अच्छे से बॉयल होते होते। अब क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे कोथमीर। इसमें भी जाती है क्या? हाँ हाँ, इसमें भी जाती है भाई, क्यों नहीं जाती है, इसको ना कोथमीर से बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें भी जाती है क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा रसम हो गया है रेडी। यहाँ पे मैं गैस कर लूंगी बंद, है ना, पिएगा ना? नहीं, बांटेंगे ना गली में हमें। मैं तो तेको ही पिलाऊंगी और चावल के साथ खिलाऊंगी भी तेको। आज भूख नहीं है मेरे को, जॉब तेरा है, आज भूख नहीं है मेरे को। नहीं, ऐसा भी होता है। देखिए आप लोग, काली मिर्ची देख लिया इतनी सारी, लाल मिर्ची देख लिया, आप बोलता अम्मी तुम टेस्ट करना। वेरी गुड भाई, अपन इसको ही टेस्ट कराएंगे, टेंशन मत लो। देख रहे आप लोग, एक प्याला पी लिए ना मस्त हफ्ते भर की फुर्सत है, सर्दी जुखाम खांसी से एकदम फटाफट बनाओ और पियो, चावलों के साथ डाल के खाओ, बीमारी 100 कोस दूर रहेंगी आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रसम रेडी हो गया है। तो दोस्तों तैयार हो गया अपनी साउथ इंडियन डिश रसम। डर रहा, देखो ना ये तो इतनी पतली है कि वो खुद गिर रही है साथ साथ। सालन की जैसी गाड़ी नहीं होती है। हाँ, तो अभी बात करते हैं शॉर्ट्स की। आज हम लोग ने बनाया थे शॉर्ट्स वीडियो और उसमें हमने सिर्फ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था कि टमाटर को ऐसे कौन से डिश में मैश करते हैं। अभी वहाँ पे बहुत से लोगों ने सही आंसर दिए, लेकिन हम लोग ने बोला था
लेकिन हम लोग ने बोले थे कि भाई जो टॉप के थ्री हो गए ना सही, हम उनका नाम लेकर, मैंने ऑलरेडी उनका नाम ले लिया। तो अभी आने वाले ऐसी शॉर्ट्स वीडियो पे ध्यान देते रहना आप लोग, ऐसे हम लोग क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे तो उसमें भी एक मजा आएगा। हाँ, तो जो भी ऐसा नाम लेने नाम लो बोलते ना, हाँ, वो लोग तो जरूर देखना। लेकिन जो स्टार के तीन जन जो सही बोलेगा हम सिर्फ उनका नाम लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग सही बोलेगा, अभी सबका नाम तो नहीं ले सकते। चलो भी आते हैं रसम चावल। तुम तो बोले थे ना खाने के साथ रसम पीते खाते, तो खाना क्या है? खाना चावल है। ये क्या बना रहा है? चिकन तड़के क्यों नहीं रखे? मच्छी तड़के क्यों नहीं रखे मेरे लिए? देखे, अरे मैं देखा था आंटी अपने मच्छी भी खाते थे, चिकन भी खाते थे, रसम तो साइड में पीते थे ना। ये पीने के लिए भी निकालती, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तो गलत कर दिया मैं, सच्ची में दवाइयां ठीक है, जबरदस्ती दवाई दे रहे। ये जॉब है मेरा, चिकन तड़के सामने तो जॉब है मेरा, है ना? तो कैसा मतलब ऐसे चम्मच से उठाओ हाथ से उठाओ कैसा? चम्मच से ही मिला के खिलाओ ना, मैं तो हाथ से खाता हूँ चावल, बात गर्मा गर्म के। आज ऐसा तुमको लगेगा चावल पानी खा रहे तुम, चलेगा? देखो मैं तो सही में थोड़ा मन है मेरा खाने पीने का, देखने का कि एक्चुअल में मतलब कैसा मजे देगा ये। मैं तो खा चुकी हूँ, हाँ, मैंने खाया है, बट तुम पतला पतला पानी, ये पतला रहता है इसलिए चम्मच, जिसको मैं चम्मच से खा वो ऐसा उठा रहा पूरा, तो नीचे चले आ रहा रसम, है ना? मैं लिया फिर ऐसा, अरे पानी, हाँ। तो भाई कैसा रहता है पता है आप लोगों को? ऐसा पी तब तेरे को पता चलेगा, देख ऐसा पी चावल छोड़ दे, सूप अब मैं डरा मत अभी, और ये पी, ये पी सेहत के लिए बहुत अच्छा, एक प्याला ऐसा भर के पी लो तो, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, जबरदस्ती डर रहा है। अरे तो हमने खट्टा भी डाले, टमाटे डाले, तो फिर काली मिरी के लिए वो डर रहा बोलता है काली मिरी तुमने डाले, हल्ला को लगेगा, हाँ लगेगा, थोड़ा लगेगा, रसम बोलते किसको फिर, उसको दवाई का नाम क्यों दिया गया है? इसीलिए दिया गया है, इसको एक कटोरा पी लेना हफ्ते भर, हफ्ते में तो एक बार बना ही लेना, जब तक ठंडी चालू है ना, जब तक तो जरूर बना के पीना, अगर अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है तो। अरे तो मस्त ठीक है, देखे सुने अभी क्या बोल रहा है, मस्त है ना? चावल के साथ भी वो अच्छा लगा, अच्छा लगा, सुने आप लोग, अब मजा आ गया। लेकिन ये सही में थोड़ा ना काढ़ा ऐसा लग रहा है अंदर जाने के बाद, यहाँ लगेगा ना, जब तो आपका सीना साफ रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो जिस किसी भी काढ़ा नहीं पसंद है वो ये बना के खा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ना एक खाने वाला भी फ्लेवर आ रहा है स्पाइसी। इसके साथ है ना मच्छी फ्राई करके रख लेने का एक थाल में, ये खाते भी रहने का, मच्छी भी खाते रहने का साथ में, इसकी जोड़ीदार है रसम चावल और मच्छी। हमारी केरला वाली आंटी मच्छी फ्राई करके लेती थी साथ में इसके। बहुत से लोग चिकन फ्राई करके भी लेते हैं, जैसा बड़ा बड़ा टांग के साथ में पूरा रान फ्राई करके, देखिए अपनी मतलब की बात कैसा बोलता, वो रखना चाहिए था ना अम्मी। लेकिन ये समय कुछ अलग है भाई मेरे लिए, जो नहीं खाता है यार वो भी बना के अपने घर पे खा सकते हैं, क्योंकि सही में ठंडी के लिए अच्छी चीज है ना, गला पूरा साफ हो जाएगा आपका। बोल रहा था कितना लाल मिर्ची पीस दी अम्मी तुमने, मसाले देखो कितने सारे थे, ऐसा डर गया, और अभी देखो कितने आराम से खा रहा है। जबकि आपको मालूम है मैं दो हरी मिर्ची डालती हूँ तो मेरे बच्चों को तेज लगता है, आप सोचो खाने लायक है जब ही खा रहा, यानी कि आप लोग आराम से बना सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, हाँ। कि इतनी काली मिर्ची डाल दी है, लाल मिर्ची डाल दी है, पतला पानी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा और हेल्दी डिश है ये, और वो भी कम सामान में और कम वक्त में, है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। जिस किसी को भी सूप पसंद है ना तो भाई उसके लिए एक अलग और न्यू सूप है, बेस्ट, हाँ, अच्छा लग रहा है, कर करके खाएगा, लेकिन खाएगा उसको जो चीज पसंद आ गई ना करते तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इस इजी सी रसम की रेसिपी को झटपट वाली जरूर शेयर कर देना, है ना? और मेरे बच्चे ने अभी तक पानी नहीं पिया, हाँ रसम पिया, मैं थोड़ा सा पिया, हाँ हाँ हाँ, वैसे मुझे थोड़ी सी सर्दी थी और खांसी भी थी, मस्त, अभी एक कटोरा पी लेगा ना, अभी ठीक हो गया, ठीक हो गया अभी। तो मैं बोला था अभी आने वाले शॉर्ट्स वीडियो पे भी ध्यान देना, ऐसी मजे आते रहेंगे आप लोगों को, चलते हैं अभी, हाँ चलते हैं। जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, चलते हैं। इसमें जरूर से शेयर करना जो भी मैंने बताई हूँ, जैसा भी बताई हूँ, जितना जितना सामान मैंने ली हूँ, अगर आप एक चम्मच भर के काली मिरी ले रहे हैं तो दो चम्मच भर के जीरा जरूर लेना, और दो चम्मच भर के धनिया जरूर लेना, धनिया थोड़ा सा कम होगा चलेगा, लेकिन जीरा जरूर से दो चम्मच भर के लेना, ठीक है ना?
और मिर्ची वगैरह तो वो आपके टेस्ट के हिसाब से आप कितना तीखा खाते हैं। और इमली, इमली और टमाटर, टमाटे अच्छे लाल लेना, कच्चे टमाटे बिल्कुल नहीं लेना, रसम जरा भी टेस्टी नहीं बनेगा, लाल लाल टमाटे लेना। और इमली तो आप अपने खटास के हिसाब से, जितना आपको खट्टा पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।